मोह बाप में ज्यादा होता है कि माँ में ज्यादा होता है? माँ में ज्यादा होता है। माताएं कहेंगी आज तो बाबा माताओं की ग्लानी करना शुरू कर दिया। ग्लानी की बात नहीं है, ग्लानी की बात जब कहेंगे तो माताएं अपने आत्मिक स्वरूप को भूली हुई है। क्या भूली हुई है? क्या आत्मिक स्थिति को भूली हुई है? कि आत्मा ही पुरुष बनती है और आत्मा ही स्त्री बनती है। एक जन्म में पुरुष और एक जन्म में सभी आत्मा स्त्री बनती है। अंतमते सोगते सबकी होती है। जो भी आत्माएं हैं शरीर धारण करने वाली, अंतिम समय में जब चोला छोड़ती है तो जो स्वरूप उनको याद आता है अंतिम समय में, अगर पुरुष चोला याद आ गया तो पुरुष रूप धारण करना पड़ेगा, अगर स्त्री चोला याद आ गया तो स्त्री रूप धारण करना पड़ेगा। और दुनिया में तो काम विकार प्रधान है, सारा जीवन जिनको भी शरीर है इस आसुरी दुनिया में, द्वापर कलयुग की दुनिया में, वो सब देहाभिमानी होने के कारण काम विकार की ओर उनकी आसक्ति ज्यादा रहती है जीवन में। तो पुरुष चोला होगा तो जीवन में जास्ती किस रूप को याद करेगा? स्त्री चोले को याद करेगा। और स्त्री चोला होगा तो पुरुष चोले को जास्ती याद करेगा। तो सारा जीवन जिस स्वरूप को याद किया अंत में क्या याद आवेगा? अंत में वो याद आ जाएगा। इसलिए बताया कि एक जन्म स्त्री का और एक जन्म पुरुष को होता है। खुदान खास्ता कोई कोई ऐसी आत्माएं होती हैं जो बहुत आत्मिक स्टेज को धारण करती है, वो भी संगम युग में फाउंडेशन पड़ता है, जैसे रुद्रमाला की मणके, उनको मुख दिखाया जाता है, धड़ नहीं दिखाया जाता। ये किस बात की यादगार है? कि उन्होंने आत्मिक स्टेज को धारण किया, देह की कर्मेंद्रियों को बुद्धि से भुलाने की चेष्टा की है। इसमें स्त्री पुरुष की बात नहीं है, वो चाहे स्त्री चोलाधारी हो रुद्रमाला के मणके और चाहे पुरुष चोलाधारी हो, अगर आत्मिक स्टेज को बहुत धारण किया है गहराई तक, तो उन आत्माओं के 84 जन्मों में पुरुष रूप ज्यादा होंगे या स्त्री रूप में ज्यादा जन्म लेंगे? हैं? पुरुष रूप में ज्यादा जन्म लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि उन्होंने फाउंडेशन जो डाला है वो निराकारी स्टेज का पक्का डाल लिया। बाप होता है निराकार बिंदु और माँ होती है साकार धरणी। और जिन्होंने देवान बहुत धारण किया, देवान को छोड़ ही न पाया, कभी कभी समस्या खड़ी हो जाती है, बिंदु को कैसे याद करें? हम आत्मा बिंदु, बिंदु हमें याद ही नहीं आता, तो इसका मतलब देवान में जास्ती रही। ब्राह्मण के जन्म में जो दो बार पुरुष चोला ले जाते हैं, ब्राह्मण जन्म में दो तीन जन्म भी होते हैं, संगम युग में ही जो दो तीन बार पुरुष चोला धारण करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि उन्होंने पुरुष रूप में बिंदु रूप में ज्यादा स्थिरता प्राप्त की है आखिरी जन्म में, जो दो तीन जन्मों में भी आखिरी जन्म होगा। लेकिन ये भी कोई जरूरी नहीं है। क्या
कि दो तीन जन्म पुरुषों के हुए संगम युग में स्त्री जन्म हो सकते हैं। क्यों स्त्री जन्म क्यों हो सकते हैं? हम तुम्हें स्त्री चले को याद करें। संगम युग में जन्म मरण के ज्यादा संस्कार क्यों होने चाहिए? संगम युग में जन्म मृत्यु के ज्यादा संस्कार होने चाहिए या कम होना अच्छा है? कम। एक होता है हद का जन्म मृत्यु शरीर से, और एक होता है बेहद का जन्म मृत्यु। बेहद का जन्म है बाप को पहचान लिया, निश्चय बुद्धि बन गया कि ये मेरा बाप है, तो ये बेहद का जन्म है। और बाप को भूल गया, निश्चय बुद्धि बन गया, मृत्यु हो गई। तो संगम युग में जास्ती जन्म लेना, मृत्यु होना स्थूल रूप में या तो सूक्ष्म रूप में अच्छा है या बुरा है? बुरा है, है? बुरा है। बुरा है क्यों? ज्यादा निश्चय निश्चय के चक्कर में। अच्छा ठीक है, मुरली में क्या बोला है? सबसे जास्ती जन्म मृत्यु के चक्र में कौन आता है? ब्रह्मा की सोल आती है।